Hello everyone, welcome to Digivento Education Private Limited. In this video series of DSSSB Computer Science, we are going to discuss 50 questions of computer architecture and organization. So till now we have already uploaded 150 questions of computer architecture and organization. You can watch those videos. In this video we will discuss last 50 questions, and these last 50 questions will be of the next level. Okay, so they will be of hard level. So till now we have discussed only easy level questions of computer architecture and organization. So let's look at the first question. First question is saying, consider a machine with a byte addressable memory of 2 to the power 20 bytes, a block size of 16 bytes, and a direct map cache having 2 to the power 12 cache lines. Okay, let the addresses of 2 consecutive bytes in main memory be this and this. What are the tag and cache line addresses for main memory address this? So you have to find the tag and cache line address. Okay, so we have to find out the tag and cache line address. So it is saying, consider a machine with byte addressable main memory. So we have a size of main memory that is 2 to the power 20 bytes. Okay, this means that physical address is of, we can conclude that physical address will be of 20 bits. तो अगर हमें मेमोरी का साइज दिया हुआ है तो मेमोरी के साइज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का होगा. तो हमें पता है कि 20 बिट्स का एड्रेस है और उसमें दिया है कि ब्लॉक साइज आपका 16 बाइट्स का है और डायरेक्ट मैप कैश है. ओके, ब्लॉक साइज कितना है आपका 16 बाइट्स, उसके बाद में डायरेक्ट मैप कैश है हैविंग 2 टू द पावर 20 लाइन, 2 टू द पावर 12 लाइंस, मतलब लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ कैशे लाइंस और कैशे ब्लॉक सेम चीज है. अगर आपको लिखा हुआ है कैशे ब्लॉक्स, यू कैन से नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक्स और नंबर ऑफ कैशे लाइंस, दोनों सेम ही चीज है. ओके, तो नंबर ऑफ कैशे लाइंस 2 टू द पावर 12, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंडेक्स वाला पार्ट होगा वो कितना होगा 12 बिट का. तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट मैप कैशे हैं उसमें हम एड्रेस तीन तरह से रिप्रेजेंट, तीन पार्ट में इंटरप्रेट करते हैं, कैसे, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. इन तीन फील्ड में हम किसी भी एड्रेस को इंटरप्रेट करते हैं. जब कोई सीपीयू फिजिकल एड्रेस सेंड करेगा तो कैशे लाइन उसको तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा, यह है टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. तो आपको पता है कि जो एड्रेस है वो 20 बिट्स का है. ओके, टोटल एड्रेस 20 बिट्स का है. ओके, एड्रेस 20 बिट का है और आपके पास में इंडेक्स एंड ऑफसेट का फील्ड है. ऑफसेट कहाँ से फाउंड आउट करते हैं, ऑफसेट वाला जो फील्ड है वो हम फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ ब्लॉक से, कहाँ से, ब्लॉक साइज से, इसका लॉग लेने के बाद में. ठीक है, लॉग बेस टू ब्लॉक साइज कितना है, 2 टू पावर 4 यानी कि 16, ब्लॉक साइज है 16 बाइट्स, दैट इज 2 टू पावर 4, दैट मीन्स 4 बिट्स. तो आपका जो ऑफसेट वाला फील्ड होगा हमेशा याद रखना ये एड्रेसेस हैं, इंडेक्स ऑफसेट टैग, तो ये सब बिट्स में होंगे. एड्रेस हमेशा बिट्स में होगा, साइज हमेशा बाइट्स में होगा. ओके, बाइट्स या किलो बाइट्स या फिर मेगा बाइट्स, जी बी और टी बी लाइक दिस. तो 4 बिट का आपका ऑफसेट हो गया. अब जो आपका इंडेक्स वाला फील्ड है, इंडेक्स वाला फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है. सिंपली आप देख सकते हो जो पावर है, कुछ भी दिया अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके, लेट से 4096 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो उसको 2 की पावर में लिख सकते हो, 2 टू पावर 12, दिस मीन्स 12 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है, तो 12 बिट का आपका इंडेक्स हो गया. तो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4, रिमेनिंग 4 बिट्स आर फॉर टैग. तो 4 बिट का टैग हो गया क्योंकि 12 बिट का इंडेक्स है, 4 बिट का ऑफसेट है. 12 प्लस 4 16, रिमेनिंग 4 बिट्स, जो 4 बिट बची वो टैग के लिए है. अब ये पूछ रहा है कि आपके पास में दो एड्रेसेस दिए हुए हैं, टू एड्रेसेस ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी बाइट्स इन मेन मेमोरी, एक एड्रेस ये दिया हुआ है और एक एड्रेस ये दिया हुआ है. तो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द टैग एंड कैश लाइन एड्रेसेस फॉर मेन मेमोरी एड्रेस E201F. तो इसने कहा है कि आपके पास में एक मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है E201F और ये एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में है. आपको ये बताना है कि टैग क्या होगा एंड कैश लाइन का एड्रेस यानी कि इंडेक्स, कैश लाइन का एड्रेस यानी कि इंडेक्स. आपको बताना है टैग एंड इंडेक्स फील्ड क्या होगा इसमें, टैग एंड इंडेक्स फील्ड. हमें पता है कि जो पहली 4 बिट है वो टैग के लिए है. अब ये हेक्साडेसिमल है, हर एक हेक्साडेसिमल बिट के लिए हम 4 बिट लिखते हैं. ठीक है, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट बाइनरी लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये 20 बिट का एड्रेस है, दिख रहा है हमें 4, अगर ये 5 डिजिट है और हर एक डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं तो ये 20 बिट का एड्रेस है. यानी कि ई क्या है, ई 4 बिट का है. तो आपका जो पहले हमें पता है कि जो एड्रेस है उसमें पहली 4 बिट जो है वो टैग के लिए है, यानी कि ई क्या हुआ, टैग.
अगली जो 12 बिट्स हैं वो किसके लिए है, इंडेक्स के लिए, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 12 बिट्स किसके लिए हो गई, इंडेक्स के लिए। और जो लास्ट की 4 बिट्स हैं वो है ऑफसेट के लिए। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ब्लॉक नंबर 201 से मुझे बाइट नंबर एफ एक्सेस करनी है, ये सीपीयू ने एड्रेस सेंड किया है। तो अब इसमें पूछा है कि टैग एंड इंडेक्स क्या है, तो टैग है ई, इंडेक्स है 201, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑन ए मशीन इज 40 बिट्स। ओके, सो एड्रेस दिया हुआ है 40 बिट्स का। द विड्थ ऑफ द टैग फील्ड इन 512 KB 8-way सेट एसोसिएटिव कैशे इज व्हाट। तो हमें दो चीज दी हुई है, पहली चीज है एड्रेस, जो बहुत ही जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस है आपका 40 बिट्स का। और हमें दूसरी चीज ये बताया कि सेट एसोसिएटिव कैशे है। तो सेट एसोसिएटिव कैशे में हमें पता है कि जो एड्रेस है वो तीन पार्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं, जो भी सीपीयू एड्रेस सेंड करेगा कैशे उसको तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा। वो तीन पार्ट क्या है, टैग, सेट एंड ऑफसेट। तो ये तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा। और हमें पता है कि जो फिजिकल एड्रेस है वो 40 बिट्स का है, दिया हुआ है। अब कुछ बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, इसमें कैशे का साइज दिया हुआ है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। कैशे का साइज ने कहा है कि 512 KB है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि 8-way सेट एसोसिएटिव कैशे हैं, यानी कि एक सेट में 8 ब्लॉक होंगे। 8-way सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि आपने 8-8 ब्लॉक्स का एक सेट बनाया हुआ है। तो आपको बताना है कि टैग फील्ड कितने बिट का होगा, यानी कि ये वाला फील्ड फाइंड आउट करना है कितने बिट का होगा। ओके, सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। आपको अभी देखने में लगेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इनकम्प्लीट दी हुई है, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं फिर भी सॉल्व करने की। तो नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए ये जो सेट वाला फील्ड है ये हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सेट्स से। अब नंबर ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, सब उसके नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैशे का साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। अब हमें ब्लॉक साइज भी नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे ब्लॉक साइज को कंसीडर कर लेंगे लेट्स से। और हमेशा याद रखना ब्लॉक साइज जो है वो 2 की पावर में होगा। तो हमने कंसीडर किया लेट्स से 2 की पावर x ब्लॉक साइज है मेरा। तो अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, कैशे का साइज है आपका 512 KB और ब्लॉक का साइज है 2 to the power x। तो इसको आप अगर 2 की पावर में लिखते हो दिस विल बी 2 to the power 19, दैट इज 512 2 to the power 9 एंड KB मीन्स 2 to the power 10। 2 to the power 19 बाई 2 to the power x, दैट इज 2 to the power 19 माइनस x। इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए हैं आपके पास में। अब नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाई कितने वे सेट एसोसिएटिव है, 8। तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाय के वे। ओके, जितना भी उसका वे है, लेट्स से 8 वे है, तो दैट मींस 2 to the power 19 माइनस x डिवाइड बाय 8। 8 मींस 2 to the power 3। सो अब ये हो जाएगा 2 to the power 19 माइनस x माइनस 3, दिस मींस 2 to the power 16 माइनस x। इतने नंबर ऑफ सेट आ गए हैं आपके पास में, ये क्या आए हैं, नंबर ऑफ सेट्स। ओके, नंबर ऑफ सेट आ गए। अब नंबर ऑफ सेट से आप सेट फील्ड निकाल सकते हो। सेट फील्ड कैसे निकालते हैं, सेट बिट्स। सेट बिट्स सिंपली कैसे निकालते हैं, लॉग बेस टू। जैसे हम नंबर ऑफ ब्लॉक से इंडेक्स फील्ड निकालते हैं, इसी तरह नंबर ऑफ सेट से सेट फील्ड निकालते हैं, लॉग बेस टू नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स हमें पता है कितना है, लॉग बेस टू। ओके, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, नॉर्मली सिंपली अगर आप डायरेक्ट कहना चाहते हो डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ सेट कितने, 2 to the power 16 माइनस एक्स। तो सेट की जो बिट्स हुई वो हुई 16 माइनस एक्स, जो भी पावर में लिखा हुआ है वही नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे। यहाँ भी आप फाइंड आउट करोगे तो ऐसे आएंगी वो 2 to the power 16 माइनस एक्स। तो अब 16 माइनस एक्स लॉग बेस टू 2, तो ये कितना होगा, ये 1 होता है, तो दैट मीन्स 16 माइनस एक्स। तो सेट फील्ड हो गया 16 माइनस एक्स। और हम ऑफसेट फील्ड कैसे निकालते हैं, ऑफसेट फील्ड निकालते हैं ब्लॉक के साइज से। तो ब्लॉक का साइज क्या है, 2 to the power x, दैट मीन्स लॉग बेस टू ब्लॉक साइज क्या होगा आपका, ऑफसेट फील्ड। तो आप नॉर्मल सिंपल कह सकते हो कि x, क्योंकि आप लॉग बेस टू लोगे 2 to the power x का, तो x ही आएगा। तो x बिट्स का आपका ऑफसेट फील्ड हो गया। अब बहुत ही ईजी है निकालना, आपको ये फील्ड भी पता है, आपको ये फील्ड भी पता है, और टोटल फील्ड भी पता है। आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस कैसे करेंगे, 40 टोटल है, टोटल में से ये दोनों आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। दैट मींस 16 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होएगा, दिस विल बी 40 माइनस 16, दैट इज 24 बिट्स। तो आपका 24 बिट्स का टैग फील्ड है, 16 माइनस एक्स बिट का सेट फील्ड है, और एक्स है एक्स बिट का ऑफसेट फील्ड है। ओके, सो आंसर है 24।
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर ए मशीन विद ए बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 to the power 32 बाइट्स. तो आपके पास में एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है. बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि हर एक बाइट को एक यूनिक एड्रेस दिया हुआ है. अगर वर्ड एड्रेसेबल है, वर्ड एड्रेसेबल का मतलब यह है कि हर एक वर्ड को एक एड्रेस दिया हुआ है. एक वर्ड के अंदर एक से ज्यादा बाइट हो सकती है. कि वर्ड का साइज कोई फिक्स नहीं है, वर्ड का साइज वेरी कर सकता है. मे बी 2 बाइट हो, मे बी 1 बाइट ही हो, मे बी 4 बाइट्स हो. तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यानी कि हर एक बाइट का एक एड्रेस है. मेन मेमोरी 2 to the power 32 bytes. तो लिख लेते हैं, लेट्स से आपके पास में मेन मेमोरी 2 to the power 32 bytes की. उसके बाद में ब्लॉक साइज दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक साइज ऑफ 32 bytes. ब्लॉक साइज है आपका 32 bytes. उसमें कहा है कि अज्यूम दैट अ डायरेक्ट मैप कैश है. कैश कैसा है? डायरेक्ट मैप कैश है. जैसे आपको पता चलेगा कैश किस टाइप का है, तो आप एकदम से समझ जाओ कि एड्रेस फॉर्मेट क्या होगा. डायरेक्ट मैप कैश है, इसका मतलब क्या है कि एड्रेस फॉर्मेट 3 पार्ट में होगा, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. हैविंग 512 कैश लाइंस, आपको नंबर ऑफ कैश लाइंस भी दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी दिए हुए हैं. सब कुछ दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 512. इज यूज्ड विद द मशीन द साइज ऑफ द टैग फील्ड इन बिट्स. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. तो 2 to the power 32 bytes अगर आपका एड्रेस मेमोरी का साइज है, तो एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 bits. ओके, मेमोरी के साइज से हम एड्रेस निकालते हैं. नॉर्मल मेन मेमोरी का साइज है 2 to the power 32 bytes. जब इसका लॉग लोगे तो 32 बिट्स का एड्रेस आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट्स का है और वो 3 पार्ट्स में है. क्योंकि कैशे क्या है? डायरेक्ट मैप कैशे है. तो इसलिए एड्रेस होगा टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. अब हमें पता है कि ऑफसेट फील्ड हम निकालते हैं ब्लॉक साइज से. ब्लॉक साइज क्या है? 32 bytes. इसका मतलब क्या है? 2 to the power 5. तो 5 bit का क्या हुआ? ऑफसेट. डायरेक्ट आप इस तरह देख सकते हो उसको, जो आपका ब्लॉक साइज है उसको पावर में लिखो और जो पावर है वही यहाँ पे बिट्स हो गई, वही एड्रेस हो गया. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हुआ है. इंडेक्स कहाँ से निकालते हैं? इंडेक्स निकालते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स से. इसको आप लिख सकते हो कि 2 to the power 9. दैट मीन्स 9 bits का आपका इंडेक्स हो गया. अब बचा कितना? जो बचा उसका आपका टैग है. तो 32 - 9 + 5, दैट इज 32 - 14, दैट मीन्स 18 bits. 18 bits का आपका क्या है? टैग. सो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू है? रॉम इज ए रीड राइट मेमोरी. ये फॉल्स है क्योंकि रीड क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ना कि राइट. राइट मेमोरी नहीं है, रीड ओनली मेमोरी है. PC points to the last instruction that was executed. This is false. Actually, program counter अगले instruction को point करता है जो execute होने वाला है, ना कि पिछले. ये कह रहा है कि पिछले instruction को point करता है. C कह रहा है कि stack works on the principle of last in first out. This is true. Stack ऐसे ही काम करता है. Stack कैसे काम करता है? ये आपके पास में stack है, let's say, और ये stack के frame से. तो जब आपको कुछ पुश करना होता है, आप कैसे पुश करते हो? पहले आप वैल्यू यहाँ पुश करोगे, फिर यहाँ पे पुश करोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो ये पुश ऑपरेशन, जब इसको पॉप करोगे तो पुश भी हमेशा टॉप पे ही होगा और पॉप भी यहीं से होगा. तो जब पॉप करोगे तो जब सबसे लास्ट में एलिमेंट आया है वो पहले पॉप होगा. तो इसलिए कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले आउट होगा, क्योंकि पॉप भी यहीं से हो रहा है, पुश भी यहीं पे हो रहा है. तो इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है. ऑल इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द फ्लैग, दिस इज फॉल्स. सारे इंस्ट्रक्शन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं. फ्लैग्स का मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो सीपीयू के साथ में लगे हुए हैं, जैसे कि कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैराइटी फ्लैग. एक्चुअल में सिर्फ एरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ही फ्लैग को अफेक्ट करते हैं, बाकी इनके अलावा कोई फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है. तो ये कह रहा है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस, एक्चुअल में ऑल इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ 2 तरह के इंस्ट्रक्शन इसको अफेक्ट करते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल. तो सी आंसर इस क्वेश्चन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेमोरी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक मेमोरी नहीं है? इंस्ट्रक्शन कैसे मेमोरी होती है? रजिस्टर्स भी मेमोरी होती है. ट्रांसलेशन लुकअस एट बफर, दैट इज TLB, ये भी एक मेमोरी होती है जो हम पेज टेबल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा TLB के बारे में. लेकिन जो ये सी फील्ड है ये कोई मेमोरी नहीं है, ये तो एक्चुअल में पार्ट है इंस्ट्रक्शन का. इंस्ट्रक्शन ऑप कोड का मतलब क्या है? एक जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, ऑप कोड एंड ऑपरेंड. तो ये कोई मेमोरी नहीं है, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है ऑप कोड फील्ड. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन 11-bit कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 11-bit का है, यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन 11-bit का है. द साइज ऑफ द एड्रेस फील्ड इज 4 bits. द कंप्यूटर यूजेस एक्सपेंडिंग ऑप कोड टेक्निक.
इसकी एक्सपेंडिंग ऑपकोड टेक्निक क्या है इसको भी हम देखेंगे, एंड हैज 5 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 32 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, द नंबर ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस इट कैन सपोर्ट इज व्हाट। तो ये वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री एड्रेस का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना, आपको पता भी होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर दो ही चीजें होती हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ठीक है। अब ये वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री एड्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने ऑपरेंड होंगे उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि वन एड्रेस है या टू एड्रेस है या थ्री एड्रेस है। मतलब क्या है, अगर आपके पास में तीन एड्रेस है, लेट से आपका इंस्ट्रक्शन इस तरह से है, एड आर वन आर टू आर थ्री, इसको बोलते हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें तीन एड्रेसेस हैं। इस ऑपरेंड फील्ड को ही हम एड्रेस पार्ट भी बोलते हैं किसी इंस्ट्रक्शन का। एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट ऑपकोड, जो ऑपरेंड फील्ड है, दो पार्ट, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड पार्ट ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ऑपरेंड फील्ड ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन डेटा क्या है, किस डेटा पे परफॉर्म करेगा, और डेटा हमेशा किसी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होगा, या तो रजिस्टर के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए इसको एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड या फिर इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फील्ड, इनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन एड्रेसेस हैं, एक दो तीन, इसलिए इसको बोल रहे हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर आपका इंस्ट्रक्शन ऐसे है, एड आर वन आर टू, इसका मतलब यह है कि ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका इंस्ट्रक्शन ऐसे है, एड आर वन, इसका मतलब क्या है कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेंड है। और आपका इंस्ट्रक्शन अगर ऐसे है, पुश या फिर पॉप लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 11 बिट का कंप्यूटर है, यानी कि इंस्ट्रक्शन कितना है, ये कह रहा है कि 11 बिट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो 11 बिट का है, 11 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन है आपका। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड। तो ये कह रहा है कि द साइज ऑफ द एड्रेस फील्ड इज 4 बिट्स, साइज जो आपका एड्रेस फील्ड है ये 4 बिट का है। ओके, तो लेट्स से ये आपका एड्रेस फील्ड है जो कि 4 बिट का है। अब ये डिपेंड करेगा कितने एड्रेसेस होंगे, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन किस तरह का है। अब इसने कहा कि टेक्निक हैज 5 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसके पास में पहले से ही टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो 5 है, 5 5 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से ही है। अगर मैं टू एड्रेस इससे फॉर्म करता हूँ, 11 बिट से टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्म करता हूँ, तो कैसे करूँगा, क्योंकि दो फील्ड होंगे, दो एड्रेस होंगे। अगर टू एड्रेस की बात करूँ तो दो फील्ड होंगे, ओके, दो एड्रेसेस होंगे। अब दो एड्रेसेस में 4 प्लस 4 8 बिट्स चले गए, यानी कि 3 बिट्स किसके लिए बचे, ऑपकोड के लिए, ठीक है। ये है ऑपकोड, ये है ऑपरेंड 1, ये है ऑपरेंड 2। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करते हैं इस ऑपकोड वाले फील्ड से। आपके पास में 3 बिट है, 3 बिट से आप कितने इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, 3 बिट से आप 8 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। कैसे, 000 एक इंस्ट्रक्शन हो गया, लेट्स से इसको हमने बोल दिया ऐड, 001 एक अलग इंस्ट्रक्शन हो गया, लेट्स से इसको बोल दिया सबट्रैक्ट। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग बाइनरी इनकोडिंग हो गई, 011100 लाइक दिस, 101110111। अब ये कह रहा है कि 5 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से यूज हो चुके हैं, यानी कि लेट से इसमें से जो पांच कॉम्बिनेशन है, ये 8 कॉम्बिनेशन बने टोटल, इनमें से 5 कॉम्बिनेशन पहले ही यूज हो चुके हैं। ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड, लेट से ये कुछ जंप, तो इस तरह से ये सब यूज हो चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास में 3 कॉम्बिनेशन फ्री है, यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बचे हैं। अब ये कह रहा है कि 32 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से यूज हो चुके हैं, 32 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि ये इसमें से हम कितने, अब अगर हम एक्सपेंडिंग ऑपकोड टेक्निक यूज करें, एक्सपेंडिंग ऑपकोड का मतलब क्या है कि ऑपकोड से जो कॉम्बिनेशन बचे हैं उनसे आप और जो अलग अगले इंस्ट्रक्शन से जो वन एड्रेस के इंस्ट्रक्शन से वो बना सकते हो, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ वन एड्रेस के इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। अगर वन एड्रेस की बात करें तो वन एड्रेस में कितने इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वन एड्रेस में मुझे कितनी बिट्स चाहिए, एक ऑपकोड फील्ड एक होगा, जो ऑपरेंड फील्ड होगा वो एक ही होगा, यानी कि 4 बिट चाहिए ऑपरेंड के लिए। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचे थे और 4 बिट यहाँ से आई, ओके, यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बचे हुए और 4 बिट्स मेरी यहाँ पर है, जो ऑपकोड वाली फील्ड थी जो पहले मैंने ऑपरेंड के लिए यूज़ की हुई थी बिट्स, अब वो मैं इनको ऑपकोड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है, एक ही एड्रेस चाहिए, तो अगली जो 4 बिट्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इंस्ट्रक्शन को फॉर्म करने के लिए। अब 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 to the power 4, और 3 आपके पास में कॉम्बिनेशन यहाँ बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 3 into 2 to the power 4, क्योंकि 101 के साथ में
टू टू द पावर 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ में 2 टू पावर 16 बनेंगे, इसके साथ में 2 टू पावर 16 बनेंगे, तो कितने हो गए 3 इंटू 2 टू पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3, तो 48 टोटल आपके पास में वन एड्रेस है, वन एड्रेस सेक्शन टोटल बन सकते हैं। अब 48 में से 32 आप पहले ही यूज कर चुके हो, ओके 48 में से 32 हम पहले ही यूज कर चुके हैं, तो लेट्स सी अब आपके पास में जीरो एड्रेस सेक्शन कितने बचेंगे। तो जीरो एड्रेस आपके पास में बनेंगे लाइक दिस, क्योंकि 48 में से 32 पहले ही यूज हो चुके हैं, यानी कि आप कितने कॉम्बिनेशन बचे, 16 कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं अभी यहाँ पे। अब जीरो एड्रेस है तो इसका मतलब क्या है कि एक भी एड्रेस नहीं चाहिए आपको, तो बाकी जो जो ऑप कोड की 4 बिट थी वो 4 बिट आप यूज कर सकते हो ऑप कोड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेंड की 4 बिट आपने वन एड्रेस में यूज की थी वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो एड्रेस है, जीरो एड्रेस में कोई ऑपरेंड नहीं होता है। तो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचे हुए थे और 4 बिट के साथ में 16 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचेंगे बनेंगे 2 टू पावर 4 यानी कि 16 इंटू 16, या फिर आप बोल सकते हो 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 4 दैट इज 2 टू पावर 8, या फिर बोल सकते हो आप 256। तो जीरो एड्रेस 256 इंस्ट्रक्शन बनेंगे आपके पास में, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ कोड टेक्निक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 32 बिट आर्किटेक्चर। ओके दिस इज गिविंग सम इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज दैट इफ यू हैव अ 32 बिट आर्किटेक्चर, अगर आपके पास में 32 बिट आर्किटेक्चर, इसका मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट का होगा, वर्ड साइज भी 32 बिट का होगा, आपकी डेटा बस 32 बिट की होगी और रजिस्टर के जो साइज होंगे वो भी 32 बिट के होंगे, विद ए वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। ओके एक वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि 32 बिट का आर्किटेक्चर है और जो वर्ड साइज है वो कितना होगा 32 बिट होगा, और वन वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है। इट हैज 64 रजिस्टर्स ईच ऑफ विच 32 बिट लॉन्ग, ओके हमारे पास में 64 रजिस्टर्स है और हर एक रजिस्टर का साइज 32 बिट है। इट नीड्स टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस विच हैव एन इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू टू रजिस्टर ऑपरेंड्स, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ओके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसने कहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में एक तो इमीडिएट ऑपरेंड है, ओके एन इमीडिएट ऑपरेंड एंड टू रजिस्टर्स हैं, तो इस जो आपका इंस्ट्रक्शन हुआ, इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड तो होता ही होता है, उसके अलावा तीन चीजें और हैं, एक तो इमीडिएट ऑपरेंड है, उसके बाद में इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होगा, ओके इमीडिएट वैल्यू, जब हम कहते हैं इमीडिएट इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होगा, दो रजिस्टर्स हैं, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो है 32 बिट्स, वन वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, इसने कहा है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है और वन वर्ड का मतलब क्या है कि 32 बिट्स, क्योंकि आर्किटेक्चर 32 बिट है, 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो वर्ड का साइज होगा इस कंप्यूटर में वो 32 बिट होगा यानी कि 4 बाइट्स होगा। तो अब हमें निकालना है अज्यूमिंग दैट द इमीडिएट ऑपरेंड इज एन अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इमीडिएट ऑपरेंड इज व्हाट, तो इस इमीडिएट ऑपरेंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा कि कितने बिट का है ये इमीडिएट ऑपरेंड, कितने बिट का है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक का अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना जो ऑपकोड फील्ड निकालेंगे, ऑपकोड फील्ड निकालते हैं हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से इसका लॉग बेस टू लेने के बाद, ओके जैसे अगर आपके पास में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने 45 है, ओके तो ऑपकोड के अंदर जो बिट्स होगी वो होगी लॉग बेस टू 45, दैट मीन्स अराउंड 6। अगर आप 5 लेते हो तो सिर्फ 32 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, लेकिन 6 लेते हो तो 64 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। तो ये फील्ड हुआ आपका 6 बिट्स का, ऑपकोड वाला फील्ड जो हुआ वो हुआ 6 बिट्स का। ऑपकोड वाला फील्ड निकालते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और इसके पास में 45 इंस्ट्रक्शन हैं। अब R1 और R2 फील्ड कैसे निकालेंगे, R1 फील्ड जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर से फाइंड आउट करेंगे, तो रजिस्टर बिट्स जो हैं वो हम निकालेंगे, तो रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, रजिस्टर का एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर से, और नंबर ऑफ रजिस्टर है आपके पास में 64, ओके लॉग लेने के बाद में आपके पास में रजिस्टर बिट्स आ जाएगी। जैसे आपके पास में मेमोरी का साइज है, मेमोरी के साइज से आप क्या निकालते हो, मेमोरी के साइज से मेमोरी एड्रेस निकालते हो, इसी तरह नंबर ऑफ रजिस्टर से रजिस्टर का एड्रेस निकालते हो, तो नंबर ऑफ रजिस्टर है 64, दैट मीन्स रजिस्टर बिट्स जो होगी वो 6 बिट्स होगी,
ओके, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर 64 है, तो इट्स मीन 2 to the power 6, 6 बिट का रजिस्टर का एड्रेस हो गया। तो 6 बिट यहाँ और 6 बिट यहाँ, क्योंकि दो रजिस्टर ऑपरेंड्स हैं। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18 आपके वॉच में, आपके पास में टोटल कितनी बिट्स बची? यहाँ पे बची 14 बिट्स। क्यों? 6 प्लस 6 18, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 एंड 32 माइनस 18 जो बची वो यहाँ पे है 40 बिट्स। यानी कि जो आपका इमीडिएट ऑपरेंड है वो 14 बिट्स का है। तो 14 बिट से आप कितनी वैल्यूज बना सकते हो? 14 बिट से जो पहली वैल्यू होगी आपकी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 00। ओके, जब सबके सब जीरो है, सारी की सारी बिट्स 14 बिट्स जीरो है, तो ये है आपकी जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब सबके सब वन है, लाइक दिस। ओके, जब सबके सब वन होंगे, ये वैल्यू कितनी होगी? 2 to the power 14। 2 to the power 14 मीन्स 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10, और यू कैन से 16 इंटू 1024। ओके, सो ये वैल्यू आएगी कुछ लाइक 16384, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो 2 to the power 14 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 16384, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड, इमीडिएट ऑपरेंड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है इस इमीडिएट ऑपरेंड में। नंबर ऑफ बिट्स कितनी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सब की सेपरेट बिट्स फाइंड आउट करके टोटल में से माइनस कर देंगे। तो 14 बिट का अगर ऑपरेंड है तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। ऐसे ही है जैसे इंटीजर है, इंटीजर अगर आपका 32 बिट्स का है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 to the power 32 minus 1। ओके, अगर आपका इंटीजर 4 बिट का है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15, 0 से लेके 15 तक वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रेलिवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट राइट इन पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड। पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड का मतलब क्या है? पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड का मतलब ये है कि ऐसा कोड जो कि पोजिशन से इंडिपेंडेंट है। पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? पोजिशन का मतलब है एड्रेस, कि आप मेमोरी में रन टाइम पे से कहीं से भी कहीं उठा के रख पाओ। मतलब क्या है कि आपका जो एड्रेस है वो ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस से बाइंड है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस से बाइंड ना हो। लेट्स से अगर आपका कोई प्रोग्राम है और उसके तीन इंस्ट्रक्शन है I1, I2, I3, और उसका बेस एड्रेस है 2000, और ये तीन एड्रेस इसने यूज़ किए गए हैं, तो ऐसा ना हो कि ये इस पे ही बाइंडेड है, कि डिपेंडेंट है, कि यहीं पे रहेगा, कहीं और जा ना सके। अगर आप पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड की बात करते हो तो आप इस कोड को कहीं भी उठा के रख सकते हो। ओके, लेट्स से आपको इस कोड को उठा के रखना है यहाँ पे, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? इसकी बेस एड्रेस की वैल्यू चेंज करनी होगी। ओके, तो आप यहाँ बेस एड्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बेस एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी लेट्स से 3000। अब पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो तभी कर सकते हैं अगर वो आपका जो कोड है वो पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड है। ओके, पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड करने के, पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बेस वैल्यू है ये आपकी चेंज करनी पड़ेगी, बेस वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हम किस में कर सकते हैं? ये हम सिर्फ एक एड्रेस में कर सकते हैं, वो है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं कि हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल JMP XPC। तो इसमें क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो सकती है, आप जंप कर सकते हो डायरेक्टली इस एड्रेस पे। एक्स क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपको कितनी दूर जंप करना है। लेट से मुझे मेरा जो ये कोड था जो इसमें तीन इंस्ट्रक्शन थे, मुझे इसको जंप कराना था यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंटू प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ तक लाने के लिए। ओके, तो इन दो को ऐड करूँगा, एक्स प्लस पीसी, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा, और मैं जंप कर जाऊँगा इस वैल्यू पे, लेट से आएगा 3000। तो इन दो को ऐड करके 3000 आया, जहाँ पे मैं जंप कर गया। तो पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए